हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन खाद लेकर आई हूँ, आपको फूलों के पौधों के लिए और सब्जी के लिए। इससे अच्छी कोई खाद नहीं हो सकती। सर्दियों में अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग पालने के लिए आप इस खाद का प्रयोग करें। तो ये देखिए, ये इसको मैंने 4-5 दिन से भिगा के रखा है। आप जानते होंगे, देखकर समझ गए होंगे कि ये सरसों की खली है। तो सरसों की खली का यूज़ करके आप अपने गार्डन में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पा सकते हैं, और सब्जियों के लिए भी ये एक बेहतरीन खाद है। तो आप सब्जी की पौधों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है सरसों की खली। तो ये पीली सरसों की है और ये काली सरसों की खली है। आपके पास जो भी हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको सरसों की खली लेनी है, और इसमें हम मिलाते हैं हमारी नीम खली। ये इस तरह की है। तो अगर आप पाव भर सरसों की खली लेते हैं तो उसमें 1-2 मुट्ठी ये नीम खली है, इसको मिलाएं। और ये हमारा गुड़ डिकम्पोज करने में बहुत काम आता है। जो भी चीज़ें आप डालेंगे, इसको हमें मिलाकर, उसमें पानी मिलाकर एक बॉक्स में, और इसको ढककर हमें रख देना है 4-5 दिन के लिए। जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए तब हम इसका यूज़ अपने पेड़ों पर करेंगे। तो आपके जितने नाजुक पौधे हैं उतना आप इसको पतला करें। हमें इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना है, ये बहुत गाढ़ा है। अगर इस तरह से हम डालेंगे तो फंगस भी हो सकता है पेड़ों में, इसलिए हमें इसको काफ़ी पतला करके, और आपके जितने नाजुक पौधे हैं अगर, तो आप उसमें बहुत ही पतला करके इसको लिक्विड करके दें। और सब्जियों में आप थोड़ा गाढ़ा भी दे सकते हैं, ठीक ठीक जैसे कि हमारी ये बाल्टी है एक 10 लीटर की, तो उसमें हम इसको हटा दें। तो ये लगभग 1/2 लीटर का डिब्बा होगा। हमारी ये बाल्टी भी पूरी भरी हुई नहीं है, इसमें हम डाल लेंगे। मजबूरी है, 5 लीटर में हमने 1/2 लीटर मिलाया है। ये ऐसा लिक्विड पतला तैयार हुआ हो गया है। इस तरह से आप किसी भी पेड़ पौधे में इसको दे सकते हैं। इतना पतला आप बनाएंगे तो एकदम सही है, और आप ज़्यादा गाढ़ा करना चाहें तो थोड़ा बहुत गाढ़ा करके सब्जियों में दे सकते हैं। लेकिन फूलों में अगर आप अपने और पौधों में दे रहे हैं तो इतना ही पतला दे दीजिए। तो अब हम आपको पेड़ों में देख के दिखाएँ इसको। हमारा शिमला मिर्च का पौधा है, देखिए कितनी इसमें शिमला मिर्च लगी है, फूलों से बिल्कुल लदा हुआ है। और शिमला मिर्च भी कम से कम 4-5 तो दिख ही रही हैं। तो हमने अपनी सब्जियों के पौधों पर बहुत वीडियो डाली हैं, तो आप जाएं और हमारा चैनल सर्च कर वीडियोज़ देखें, और आप भी अपना गार्डन इसी तरह बनाएँ, ढेर सारी सब्जियाँ उगाएँ। ये हमारी टंकी आपने देखी होगी, बहुत इसमें सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, इसमें मूली भी बनी हुई है। अगर हम दिखाते हैं, ये देखिए साफ नज़र आ रही हैं मूलियाँ, इसमें बन चुकी हैं। इस तरह से आपको दे देना है। सब्जियों में आप बिल्कुल फ्रीली दे सकते हैं, लेकिन अगर आप फूलों में इसका और पौधों में यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, पत्तों पर कम डालें, पत्तों पर ना पड़े तो अच्छा है। गुड़हल के लिए ये खाद बहुत ही अच्छा है। गुड़हल गुलाब में भी आप इसको दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए एक बहुत अच्छा खाद है ये। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन हाँ, गर्मियों में आप इसको ना दें तो अच्छा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तब आप इसको नहीं दें, क्योंकि ये थोड़ा गर्म करता है और
थोड़ा फंगस भी क्रिएट करने का डर रहता है, इसीलिए हमने इसमें नीम खली भी मिलाई है। और गुड़ हमें बहुत थोड़ा सा डालना है, जो एक डेली आती है, जो गुड़ की डेली गोल आती है, तो एक ही डेली आप डालें, बस उतना काफ़ी है इसके लिए। तो आप भी यूज़ करें अपने गार्डन में और ढेर सारी फूल और सब्जियां पाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर, तो जाएं उनको सर्च करें और शेयर करें। थैंक यू।